बड़े स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं, उन्होंने ये बात कर दी कि मैं नेटफ्लिक्स को नहीं देता इतने पैसे सब्सक्रिप्शन के, तो मैं एक ब्लू टिक के लिए क्यों दूंगा। मजे की बात कि वो जो बंदी है सामने उसका भी कहीं अवतार ना आ जाए निकल के हो सकता है अवतार अवतार का मैच हो गया आपस में, आप भी अकेले वो भी अकेले। आप प्रिया समझ के गए, एंजल प्रिया निकली। दोस्तों ट्विटर ने मचा दिया, जब से आया है इलॉन मस्क तब से इतनी खलबली हो रही है ट्विटर के ऑफिस के अंदर कि इंसान कंफ्यूज हो गया कि क्या इसको नौकरी से निकाला जा रहा है, नहीं क्या इसको वापस बुलाया जा रहा है, क्या ट्विटर के ऊपर ब्लू टिक के लिए $8 यानी ₹650 देने पड़ेंगे, ये क्या है ओरिजिनल और ये क्या है ऑफिशियल और ये क्या है ब्लू टिक का पूरा माजरा, इसके बारे में कन्वर्सेशन करेंगे टेक्निकल गुरु जी के साथ में। उससे पहले मेरा इंट्रो दे देता हूँ, नमस्कार मेरा नाम आरजे आयुष है और आप देख रहे हैं पीवा टेक पंती। यहां पर मैं आपको देता हूं टेक की दुनिया की सारी नॉलेज इन अ वेरी स्मॉल स्नैकेबल साइज कंटेंट। तो अगर आपको ये कंटेंट पसंद आता है तो गाइस इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, और फिर वो बेल आइकन है उसके ऊपर मचा डालो दोस्तों। बाकी ट्विटर की जानकारी तो हम आपको दे ही रहे, दूसरी एक बात जानने को मिली है कि आईफोन ने कह दिया है कि हमने बीटा टेस्टिंग कर ली है, अब 5G रोल आउट करना शुरू करेंगे, यानी जितने भी आईफोन यूजर्स हैं यू कैन जस्ट ग्रो क्रेजी। एक और फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। अब आप सोचिए कि मैं बात कर रहा हूँ पर मेरी जगह पर आप कोई ऐसे इंसान को देखें जिसकी शक्ल मेरे से मिलती हो, जिसके फीचर्स मेरे से मिलते हो, जिसकी आवाज़ मेरे से मिलती हो पर वो मैं ना हूँ, तो क्या आप मुझसे इमोशनली कनेक्ट कर पाएंगे या नहीं। और इसी सवाल का जवाब लेने के लिए आज मैं आया हूँ TGHQ। मुलाकात हो रही है गौरव चौधरी के साथ में। टेक्निकल गुरु जी वेलकम टू द शो। थैंक यू आयुष, कहीं आपको इधर मुंह करो और मेरी जगह में हम सुपर इम्पोज तो कर ही सकते हैं, ये VFX वाली चीजें कर सकते हैं, आज तो शाहरुख खान भी कर रहे हैं अपनी नई मूवी के अंदर इतना भर भर के VFX डाला हुआ है। आपने एक बात बोली कि देखो और सोचो कि अगर मैं नहीं हूं मर्जी वो दूसरा इंसान बैठा है जी, इंसान नहीं कार्टून बैठा है बिल्कुल, कॉमिक कैरेक्टर वाली बात हो गई ना, थोड़ा सिंपल इंसान का जो फेस स्वैप हुआ है ये पता नहीं क्या चल रहा है। ये एवेटार की बात कर रहे हैं आज, जेम्स कैमरून की मूवी एवेटार पार्ट 2 नहीं, एवेटार्स जो मेटावर्स जो मेटा कंपनी है उनका एक बेट है जिसके ऊपर गूगल ने रिसेंटली $100 million की एक कंपनी खरीदी है कि हम है ना कम्पीट करना चाहते हैं, यानी कि ये बड़ी बड़ी टेक कंपनीज मानती है दैट दिस इज गोइंग टू बी द फ्यूचर, बट हाउ सस्टेनेबल इज इट, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इन्वेस्टर तो नहीं मान रहे, कंपनी भले मान रही हो। भाई इन्वेस्टर बिल्कुल नहीं मान रहे हैं, मतलब भगवान करे कि सभी में जो है वो कॉन्फिडेंस है भर भर के ज़ुकरबर्ग जैसा बिल्कुल, बिकॉज अगर किसी की कंपनी के शेयर पिछले 8-10 महीनों में 75% गिर गए हो जी तो भाई हिम्मत लगती है कुछ नया करने की। सही में तो स्टिल ट्राइंग फेसबुक इज स्टिल ट्राइंग, यू नो मेटा ऑफ कोर्स लाइक जवान भी फेसबुक जाता है मेटा वो भी गया, दे आर ट्राइंग समथिंग न्यू, दे आर यू नो मेकिंग अलग-अलग कॉन्सेप्ट्स, मेटावर्स हो जाएगा भैया, सारा काम वर्चुअल हो जाएगा, मीटिंग्स कर लो, बिजनेस डील्स कर लो, कॉन्फ्रेंस कर लो, आपको लोग सामने दिखेंगे, पता नहीं बहुत कुछ हो रहा है। आई थिंक देयर इज स्टिल नॉट कंप्लीट क्लैरिटी कि कब क्या कैसे, इट्स स्टिल काइंड ऑफ यू नो आधा अधूरा सा चल रहा है जी। जब ये निंटेंडो वी की बात करते हैं, ये जब आया था तब उसके अंदर एक आपका एनिमेटेड कैरेक्टर आप बना सकते थे और उसके बाद में आप उसके साथ में टेनिस वगैरह खेल सकते थे, विच वॉज एक्चुअली फन क्योंकि उसके अंदर आप इमर्स हो जाते थे। फिर जब ओकुलस करके प्लेस्टेशन ने कहा कि हम ओकुलस के VR हेडसेट्स लेकर आ रहे हैं, तो आपको लगा कि चलो हम उसको और एक तरीके से एक्सपीरियंस करेंगे, पर अब दिस इज गोइंग वे ओवरबोर्ड, दिस इज डेफिनेटली, मतलब आप इमेजिन करिए, अच्छा आप इमेजिन करिए, आज हमारे व्यूअर्स से सवाल करते हैं, आप इमेजिन करिए कि आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग के अंदर है, आप सपोज करिए कि आप अपने सपनों की जो लड़की है या फिर लड़का है आपका क्रश है उसके सामने बैठे हैं, तो वुड यू वॉन्ट टू शो द बेस्ट ऑफ योर सेल्फ और वुड यू वॉन्ट टू शो एन एनिमेटेड वर्जन ऑफ योर सेल्फ, क्या आप उसे ये बताना चाहेंगे कि आप असली में कौन है या फिर आप बीच में अरे देखो मेरा अवतार कितना कूल है, मैंने कितनी अच्छी टी शर्ट पहनी है इसके अंदर। मजे की बात कि वो जो बंदी है सामने उसका भी कहीं अवतार ना आ जाए निकल के हो सकता है अवतार अवतार का मैच हो गया आपस में, आप भी अकेले वो भी अकेले। आप प्रिया समझ के गए, एंजल प्रिया निकली। दिस इज पॉसिबल, सो आर वी गोइंग टुवर्ड्स अ फेक वर्ल्ड। आयुष जेन्युइनली आपको बताता हूँ, बड़े ब्रांड्स की बात करते हैं टेक डोमेन में, एप्पल और गूगल दो पकड़ते हैं, दोनों कंपनीज बोल रही हैं
कि भाई डिजिटल वेलबींग नाम की एक चीज होती है जी। फोन हम बनाते हैं, हमारा सॉफ्टवेयर है, हमारे फोन हैं, स्टिल हम नहीं चाहते कि आप दिन भर फोन में घुसे रहो। भाई टेक अ ब्रेक, आधे घंटे यूज कर लिया ठीक है, छोड़ो नॉर्मल जिंदगी में। ट्रू। उल्टा मेटा क्या बोल रहा है, छोड़ो नॉर्मल जिंदगी, जो है सब इसी में आओ, मतलब घर में बैठो, पहन लो गॉगल या पहन लो कोई भी हेडसेट, उसके बाद में आप एक, मतलब यार फिर बाहर कौन निकल रहा है, फिर रियल लाइफ के इंटरेक्शंस कहां जा रहे हैं जी। एविटार की बात करते हैं, जनरली इस कार्टून वर्जन के बारे में बात करते हैं, क्या आपने कभी एविटार बनाया अपना? फन फैक्ट, एप्पल लेके आया था मीमोजी, एनिमोजी, मैंने आज तक नहीं बनाया, नहीं बनाया। कुछ उसके पीछे रीजन, ये रीजन क्या है, मतलब सी सिंपल, मतलब ओल्ड स्कूल कह लो इस बात को, कुछ भी कह लो, कि मतलब ठीक है यार, वी आर यू नो चैटिंग, बात कर रहे हैं उसमें। अच्छा आपके साथ बताओ, ऑनेस्टली एक बात होती होगी, टॉक अबाउट अ व्हाट्सएप ग्रुप, टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर फ्रेंड ऑन व्हाट्सएप, हो सकता है आप खुद वो हो सकते हो या आपको दोस्त ऐसे हो सकते हैं। कई बार आई कम अक्रॉस जहाँ पे चैट होते हैं जहाँ पे सामने वाला बंदा ढूंढ ढूंढ के स्टिकर चिपकाए जा रहे हैं। हाँ, ना? मतलब क्या? स्टिकर, गिफ्ट्स लगा दिया साथ में, बहुत कुछ लगा दिया, यार हम बात कर रहे हैं, क्या है भाई, कैसा है कैसा है, और क्या आप इतना टाइम लोगे, चल रुक भाई मेरे पास में एक कीबोर्ड है जहाँ पे ये स्टिकर्स मिलते हैं, गिफ्ट। देयर यूज्ड टू बी अ कीबोर्ड जहाँ पे लोगों ने अपने अपने वो हेड्स बनाए थे अलग अलग, देयर आर मल्टीपल थिंग्स। मुझे लगता है कि यार आई थिंक यू लूज द कोर एसेंस ऑफ दैट एंड यू आर डाइवर्टेड, कि आज मेरा टाइम इसमें जाएगा कि अच्छा इसके रिएक्शन में मैं अपना कौन सा एनिमोजी लगा के भेजूं, या इसके रिएक्शन में आई डोंट थिंक इट्स, मतलब मेरे लिए तो कभी, मेरे लिए इट्स वेरी सिंपल कि आप सिर्फ अपने टेक्स्ट के ऊपर, अब आप कैमरा का भी एक ऑप्शन है कि आप बोल के इंस्टेंटली शॉर्ट वीडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं जो आपका इंस्टेंट एक्सप्रेशन है। पर ये बड़ी कंपनीज कहीं ना कहीं मैनिपुलेट तो करेगी लोगों को, डेफिनेटली करेंगे, लोग होंगे, हाँ लोग होंगे। एक टाइम था, मुझे आज भी याद आता है, ऑर्कुट वर्कुट जमाने की बात करते हैं, तो यू नो जब अगर इंटरनेट घर पे है तो ठीक है अपना, कई लोग तो साइबर कैफे में जाके ऑर्कुट यूज करते थे जी। कि वो हफ्ते में एक बार गए हैं और देखते भैया क्या ऑर्कुट, नहीं याहू चैट के लिए कभी कभी चला जाएगा, याहू पे जाके चैट रूम में जाओ और फिर पूछो पहला सवाल ASL। आज के बहुत सारे व्यूअर्स ने दी पता कि ASL है, तो ये तो पॉइंट है, बट एनीवे तो वो एक टाइम था। आज की डेट में हम सब इन चीजों से ऊपर बढ़ चुके हैं, शायद आपने मतलब यू नो एक्टिवली फेसबुक आप शायद नहीं यूज करते होंगे, लेकिन स्टिल काफी लोग हैं, करोड़ों करोड़ों जो यूज करते भी हैं जी, तो शायद इनको अपने कस्टमर्स तो मिल ही जाएंगे, जो लोग जो है वो लेटेस्ट लगे हैं ट्रेंड में, एवेटार्स ये वो मेटावर्स। इसी का एक अलग वर्जन की तरफ चलते हैं, लाइक मैनिपुलेशन की बात करते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर बहुत बड़ा हल्ला हो गया, पहली तो इस बात पे हो गया कि इलॉन मस्क ट्विटर के ऑफिस में चले गए, उन्होंने जो उनके एम्प्लॉइज थे उनको निकाल दिया, सिंक ले गए, और हाँ पूरा लेट दिस सिंक इन करके, खैर दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, जो मर्जी करे भाई। तो उन्होंने टेस्ला बेच के रखी है, स्पेस के अंदर घूम रही है एक टेस्ला अभी, तो क्या ही बात कर सकते, बंदा बैठा रखा है उसके अंदर, एवेटार एक कार्टून बिठा के रखा है जो स्पेस की परिक्रमा कर रहा है। उन्होंने एक बात कर दी कि $8 फॉर ब्लू टिक, आई थिंक बहुत ही बड़ा मिस अंडरस्टैंडिंग हुआ इस चीज को लेके, कि व्हाट इज दिस ब्लू टिक, लोगों ने कहा कि वेरिफिकेशन, इवन अ ग्रेट लेजेंड लाइक मार्टिना हिंगिस, उन्होंने कहा कि देखो मैंने तो मांगा भी नहीं था ब्लू टिक, आपने सामने से करके दे दिया, और अगर $8 देने पड़ेंगे, यानी इंडियन धनराशि के अंदर आज की तारीख में 650 से 700 रुपए के बीच में इतना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा हर महीने, तो मैं तो नहीं करूंगा। बड़े स्टैंड अप कॉमेडियंस है, उन्होंने ये बात कर दी कि मैं नेटफ्लिक्स को नहीं देता इतने पैसे सब्सक्रिप्शन के, तो मैं एक ब्लू टिक के लिए क्यों दूंगा। सो कैन यू एक्सप्लेन दैट, व्हाट इज दिस ब्लू टिक? यार अभी भी बताता हूँ, पहली बात तो कंप्लीट क्लैरिटी नहीं है, स्टिल आधी अधूरी कई बार खबरें निकल जाती हैं, रिपोर्ट्स, हेडलाइंस, बिकॉज दिस इज इन द हेडलाइन, तो व्हाटएवर एक हल्का सा हल्ला होगा तो एक बड़ा शोर मचता है। मुझे ऐसा लगता है जो क्लैरिटी है वो ये है कि ट्विटर ब्लू जो ट्विटर लेके आया था एक सर्विस जहां पे आप ट्वीट्स को एडिट कर सकते हो, आपको कुछ और पर्क्स मिल रही थी, वो 4 countries में लॉन्च किया था एंड द प्राइस वॉज $5 पर, 4.99 दिस वॉज द प्राइस। अभी जो ये $8 की बात चल रही है जो इलॉन ने ट्वीट्स किए हैं कुछ, तो वो ये है कि दिस इज द सब्सक्रिप्शन फॉर ट्विटर ब्लू, इट विल गिव यू अ ब्लू टिक। नाउ आई एम नॉट श्योर कि वो एग्जैक्टली ऐसा ही होगा या जो भी होगा, दिस इज नॉट सेम एज वेरीफाइड प्रोफाइल्स, ओके, दिस इज जस्ट कि अच्छा आप जैसे YouTube प्रीमियम कैसे होता है जी, कि आप YouTube प्रीमियम मेंबर बन जाते हो, आपके ऐप में कोने में प्रीमियम लिखा हुआ आता है एंड इट गिव्स यू ऑप्शन जहां पे आपको ऐड नहीं आते जी। सेम वे में अगर आप ट्विटर ब्लू सब्सक्राइब करोगे $8 का, तो आपको एक आपके प्रोफाइल के अगेंस्ट कुछ एक नया हाईलाइट बना हुआ जाएगा, ब्लू टिक या व्हाटएवर, और आपको कुछ एक्स्ट्रा पर्क्स मिल जाएंगे, बट द एक्चुअल वेरिफिकेशन जो होता है आई डोंट थिंक कि दिस इज दैट।
ट्विटर के मालिक बन गए तो शायद पॉलिसी चेंज हो ना हो भाई, वो हर एक ट्वीट करने से पहले उनको चेक करवाना पड़ता है अपना ट्वीट अथॉरिटीज को। इलॉन मस्क दुनिया का सबसे अमीर आदमी तो है बट अपनी मर्जी से कुछ भी ऐसे ट्वीट नहीं कर सकता। इज दैट सो? भाई मार्केट पूरा हिल जाता है। हाँ तो अभी हुआ है कि जो ट्वीट्स हैं वो स्कैन होते हैं। ओके एज इन लाइक देयर आर अथॉरिटीज कि भाई ये ट्वीट जाने वाला है, वो कुछ भी रैंडम एक क्रिप्टिक कुछ मैसेज डाल देंगे, लोग उस चक्कर में एक कंपनी का स्टॉक खरीद लिए बेच दिए कुछ भी कर दिया। जो डोज कॉइन के साथ में हुआ था, जो इतना बड़ा क्रिप्टो करेंसी पूरा एक माहौल हो गया था, लोग खरीद रहे थे, अरे ये तो टाइम है खरीदने का। अब देखो मेरा कजिन है, इसने शिबू कॉइन खरीद के रखे थे, मेरे को बता रहा था वो कि मेरे पास 72 लाख कॉइन्स है और वो बेचारा नुकसान में जा रहा है। वैसे डोनाल्ड ट्रंप बहुत खुश होंगे वापस आने का मौका मिलेगा। जी बिल्कुल लॉबिंग करने का मौका मिलेगा और हमें एंटरटेनिंग ट्वीट्स मिलेंगे डोनाल्ड ट्रंप। हमें फन चाहिए भाई लाइफ में और क्या चाहिए। $8 लगे ना लगे वो सेपरेट है बट हाँ मजा आना चाहिए। बिल्कुल आज के लिए इतना ही ऑन टेक पंथी, आपकी और मेरी मुलाकात होगी अगले हफ्ते। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं अगले हफ्ते। दिस इज गोइंग टू बी बेस्ड ऑन योर कंजम्पशन, आपकी सिक्योरिटी के ऊपर ही बात कर लेंगे। चलो इससे ज्यादा हिंट नहीं दे सकता, तो अगले हफ्ते जरूर से ट्यून इन कीजिएगा। टिल देन मेरी और गौरव चौधरी यानी टेक्निकल गुरुजी की तरफ से टेक पंथी मचाते रहो। तो आई होप आपको ये कन्वर्सेशन पसंद आई होगी विद टेक्निकल गुरुजी। बाकी जाते जाते इट्स टाइम टू टेल यू अबाउट समथिंग न्यू। एक नया फीचर टेस्ट करिए व्हाट्सएप, जिसके अंदर आप अपने आप को मैसेज भेज पाएंगे। जी हाँ, ये उन लोगों के लिए है जिनसे गर्लफ्रेंड बनती नहीं, या फिर उन लोगों के लिए जो लोग घर से लिस्ट तो लेके जाते हैं पर धनिया हमेशा भूल जाते हैं। कैसे होता है ये? वेल, ये बीटा वर्जन के अंदर एंड्रॉयड में टेस्ट होने जा रहा है, जहां पर व्हाट्सएप सेल्फ चैट ऑप्शन अवेलेबल रहेगा, यानी मैसेज टू योर सेल्फ। आई यूजुअली डू दिस, मैं जो भी मेरे पिंड कॉन्टैक्ट्स होते हैं ना, मैं अगर कुछ खरीदने जाना हो या फिर क्विक लिस्ट बनानी हो तो मैं उनको व्हाट्सएप पे मैसेज भेज देता हूँ और फिर बाद में एक मैसेज ये करना पड़ता है कि प्लीज ये मेरी पर्सनल लिस्ट थी। बट अगर ये हो जाता है मैसेज टू सेल्फ तो आप काफी सारे मैसेजेस अपने आप को कर सकेंगे। जैसे कि नंबर वन, इस लड़की ने रिप्लाई नहीं दिया तो अपना सेल्फ एस्टीम बचाने के लिए प्लीज उसे मैसेज मत करो। नंबर टू, अगर धनिया की बात करी है तो सब्जी भी टाइम टू टाइम लेके आना जरूरी है। नंबर तीन, भले तुम कितनी भी मेहनत कर लो दोस्त, दुनिया तुम्हें नीचा ही दिखाएगी, और मोटिवेट करने के लिए तुम्हें चाहिए दोस्त जो कि मैं आपको मानता हूं। तो फिर अगर आपको आज का टेक बंदी पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। मेरी और आपकी मुलाकात होगी अगले हफ्ते इन द सेम शो यानी कि फीवर टेक पंथी। मैं हूं आयुष, मिलूंगा अगले हफ्ते। टिल देन टेक पंथी मचाते रहो।